माँ दुर्गा की पावन चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है। आज के दिन माँ कात्यायनी की उपासना की जाती है और लोग पूरे विधि विधान से माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा कर सुख समृद्धि आयु और यश की कामना करते हैं, जिसके चलते दिल्ली के झंडे वाला मंदिर में सुबह सुबह भक्त माता के दर्शनों के लिए पहुँचे हैं। इस दौरान भक्त कितने उत्साहित हैं वो उनके चेहरों पर साफ देखा जा सकता है। मान्यता है कि भक्त यहाँ अपनी मुरादें लेकर आते हैं और माँ के चरणों में प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे श्रद्धालु झंडे वाला मंदिर पहुंचकर मां की आरती में भारी संख्या में शामिल हुए हैं। आज भगवती के छठे रूप कात्यायनी के रूप में इनकी पूजा की जाती है। कात्यायनी नाम किस उद्देश्य या किस कारण से पड़ा यह हम थोड़ा संक्षिप्त में जान सकते हैं। कत नाम के ऋषि हुए, इन्होंने भगवती घोर तपस्या की, भगवती प्रसन्न नहीं हुए, इनके ही गोत्र में कात्य हुए, कात्य ने भी ऐसी तपस्या की पर भगवती प्रसन्न नहीं हुई। इन्हीं के वंश में आगे गोत्र में कात्यायन नाम के ऋषि हुए जिन्होंने भगवती घोर तपस्या की, इनके तपस्या से भगवती ने प्रसन्न होकर इनको दर्शन दिया कि मैं आपके घर में पुत्र के रूप में प्रकट होंगी, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करूंगी। जब भगवती प्रकट हुई तो इन्होंने इनके घर में पुत्र के रूप में प्रकट हुई तो ये अति प्रसन्न हुए, इन्होंने भगवती को सारी विपदा बताई। भगवती ने तुरंत महिषासुर नाम की जो दैत्य था उसका संहार किया और इनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। आज के दिन जो कात्यायनी की पूजा अर्चना करता है उसको धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज के दिन भक्त के मूलाधार में स्थित चक्र में मन को एकाग्र कर हर प्रकार की मनोकामना को पूरी की जा सकते हैं। जय माता दी। माता रानी की मैं 60 साल से आ रहा हूँ, इतनी भीड़ मैंने आज तक नहीं देखी। माता जो मैंने मांगा है मुझे मिला है, मैं उसका शुक्र गुजार हूँ। माता बुलाते हैं मैं आता रहूँ। जो भी मुरादें होती हैं वो सारी मुरादें पूरी होती हैं। बहुत भीड़ है आज और अपना कल भी रहेगी, सारी मुरादें सबकी पूरी होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।